बुरी भटवा हो बालम कबन घटवा बिसरई है जनीबा राम हमार सुदिया बिसरई हो बिसरई जनीबा लम राम राम का जोधर भैया राम राम काका राम राम अरे राम राम कार का जोधर भैया काय भैया का जोधर चार दिन से नहीं दिख रहे कहाँ गायब है बीवी को पीहर से लेने गए थे अच्छा तभी मुंह लटका हुआ है नहीं तो तीन चार दिन पहले तो ये बहुत खुश दिखाई देता था हरिओम वही तो पंडित जी तीन चार दिन तो खूब शांति से कटे अब फिर से वही लड़ाई झगड़ा झिकझिक पर गजोधर भैया ये तुम दोनों लड़ते झगड़ते काहे हो यार अरे लड़ाई झगड़ा नहीं है भैया नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा बस बीवी की फरमाइश है रोज नई नई फरमाइश है ये लाके दो वो लाके दो ये चाहिए तो वो चाहिए अरे भाई फरमाइश तुम पूरी नहीं करोगे तो कौन फरमाइश पूरी करेगा अब खर्चा भी चलाना पड़ता है ना पूरा घर का सही कह रहे हो भैया हमारी जिंदगी भी नीरस हो गई सोचा था शादी होगी बच्चे होंगे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे बड़ा खुदा ही कुछ नहीं कर पाए दिल छोटा मत करो यार गजोधर सब ठीक हो जाएगा वैसे भी तुम खेती के अलावा और दूसरा काम काहे नहीं कर लेते हो खेती किसानी के अलावा हमको कोई और काम आता है क्या तो भाई ट्रैक्टर का क्या करते हो खड़ा रहता है और क्या करते हैं क्यों अब तुम जले पर नमक मत छिड़को यार उस कंपनी की बड़ी बड़ी बात में आकर के हमने ये महंगा ट्रैक्टर खरीद लिया आधा टाइम साला मैकेनिक के पास खड़ा रहता है तो ट्रैक्टर बदल दो ट्रैक्टर बदल दे हाँ अरे वो भी तो 8 महीने खड़ा रहेगा ना अच्छी सलाह देते हो अरे गजोधर अरे छोड़ो भाई ये घर गृहस्थी की बात चाय पियो चाय ए गजोधर देख तू ना दिल छोटा ना कर अरे सब ठीक हो जाएगा चाय बना चाय राम राम दद्दू राम राम बेटा राम राम मंगलम भगवान विष्णु अरे बधाई हो राम प्रसाद नया ट्रैक्टर लिया है पुराने की किस्तें इतनी जल्दी चुका दी अरे पंडित जी यही तो खासियत है मेरे आयशर की कि आपको हर तरफ से कमा कर देता है और लोन की किस्तें यूं चुक जाती है आयशर लेकिन एक बात बता राम प्रसाद तेरे पास तो पहले ही आयशर था तो एक और नया लिया है पंडित जी ये आयशर का नया मॉडल है आयशर 551 और आयशर कंपनी एयर कूल और वाटर कूल तकनीक से निर्मित ट्रैक्टर्स की विशाल श्रृंखला है इसे हम कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे वो खेती हो चाहे वो भारी उपकरणों को ढोना हो ये हर क्षेत्र की मुश्किल आसान कर सकता है पर इसमें ऐसा क्या है जो और ट्रैक्टरों में नहीं इस एक ट्रैक्टर में पावर परफॉर्मेंस और बचत तीनों एक साथ मिलते हैं इसका पावरफुल 3 सिलेंडर 49 HP श्रेणी का इंजन अन्य सभी ट्रैक्टरों से ज्यादा शक्तिशाली है इससे हम भारी से भारी उपकरण बड़ी आसानी से चला सकते हैं जैसे कि रिवर्सिबल प्लाउ पावर हैरो व रोटावेटर इत्यादि को आप आसानी से चला सकते हैं अरे भैया कोई भी ट्रैक्टर हो अरे काम तो खेती के ही आएगा ना गलत इसमें है हैवी ड्यूटी एक्सेल जो कि डोजर संबंधित सभी काम बड़ी आसानी से कर सकता है वो सब तो ठीक है पर भैया इससे डीजल और समय की बचत का क्या होगा आइए देखिए बढ़ती लागत और समय को देखते हुए भी मेरे आयशर 551 में है मल्टी स्पीड PTO जो कि उपकरणों को उपयुक्त स्पीड प्रदान करता है जिसे हम भारी से भारी उपकरण बड़ी आसानी से चला सकते हैं जिससे डीजल की बचत होती है तथा इसमें है रिवर्स PTO भी जिससे हम उपकरणों के फंस जाने पर उन्हें बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं
जिससे समय की भी बचत होगी, मेंटेनेंस का खर्चा भी बचा और डीजल और समय तो बच ही रहा है। पर भैया भारी वजन उठाने की वजह से ये मिट्टी में भी खूब धंसता होगा। हाँ भाई, आपको वो भी बताते हैं। हाँ चलो दिखाओ। देखिए भैया, 14-9-28 साइज का टायर और 2250 किलो वजन आइसर 551 को मजबूत पकड़ प्रदान करता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी इस प्रकार से बनाई गई है कि इसका बैलेंस कभी भी नहीं बिगड़ता। इससे बेहतर जुताई ढुलाई अन्य सभी कार्यों के लिए अनुकूल बनाता है। अरे वो सब तो ठीक है, ज्यादा काम करोगे तो आराम भी तो चाहिए। पर ट्रैक्टर पे बैठे बैठे आदमी थक नहीं जाएगा? देखिए दद्दू, आपके आराम के लिए इस ट्रैक्टर में है डबल एक्चुएटिंग सिलेंडर वाला पावर स्टीयरिंग और इसमें है 4 स्लॉट एडजस्टेबल सीट और साथ ही साथ साइड शिफ्ट भी, जो आपके ट्रैक्टर के अनुभव को और भी ज्यादा आरामदायक बनाती है। अरे दद्दू सो गए का? बहुत ही बढ़िया। और हाँ, वेट डिस्क ब्रेक भी, जिससे आप जहाँ चाहें जब चाहें ब्रेक मारे और ट्रैक्टर खड़ा। क्या बात है भैया, पर हमको एक बात समझ में आई। नहीं मतलब, इससे अगर ट्रॉली का काम लेंगे तो ये आगे से उठ नहीं जाएगा? हाँ भैया, हाँ? ये तो बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अरे इसका भारी और ऊंचा बम्पर किसी भी कंडीशन में उसको उठने नहीं देगा और 1700 किलो क्षमता वाली लिफ्ट जो कि भारी से भारी वजन को आसानी से उठा लेती है और 19.7 किलो टॉर्क की वजह से यह ट्रैक्टर खींचने में सबसे अच्छा है तथा इसमें टिपिंग ट्रेलर किट भी है जो कि हाइड्रोलिक ट्रॉली संबंधित कार्यों में कारगर है। अरे वाह, ये आइकन ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं है, एकदम सोना है, खरा सोना। अच्छा राम प्रसाद भैया, हाँ भैया एक बात तो बताओ, इस सेगमेंट में तो बहुत सारे ट्रैक्टर रहे होंगे, फिर तुमने इसी ट्रैक्टर को काहे चुना? अरे वो काहे कि ऑफर वाफर रहा हो। अरे वो भाई, वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट मिला होगा ना? सही कह रहे हैं पंडित जी आप। अरे कोई ऑफर कोई डिस्काउंट नहीं, हमने देखा एक ट्रैक्टर में पावर परफॉर्मेंस और बचत, और तीनों जब मुझे एक ही ट्रैक्टर में मिल रहा है तो काहे दूसरा लो। और वैसे भी ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में 10-15 हजार रुपए का मुंह का देखना। पर भैया ट्रैक्टर तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम तो खरीद नहीं पाएंगे, क्या है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। काम करेगा? अरे भैया, इतने अच्छे ट्रैक्टर के लिए बैंक देगी आपको लोन, वो भी आसान किस्तों पे। अच्छा राम प्रसाद भैया, एक बात और बता दो हमको यार, एक ट्रैक्टर के बारे में इतनी सारी जानकारी तुमसे कहाँ सुनी? अरे वो हमारा छोटा भाई है शहर में, वही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, वो उसी ने बताया हमें इस ट्रैक्टर के बारे में। भाई गजोधर भैया, बहुत सालों बाद ऐसा ट्रैक्टर देखे यार भैया, जिसमें सारे गुण है, पावर परफॉर्मेंस बचत, माने तीनों गुण एक ही ट्रैक्टर में। मतलब कहने का मतलब ये पंडित जी कि दाम एक अब काम अनेक। राम प्रसाद की सफलता का कारण उसका ये ट्रैक्टर ही है। अब तो यही ट्रैक्टर है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। आयशर, मेरे सपनों को पूरा करने वाला ट्रैक्टर। हो व्यापार हर काम में है दमदार, उम्मीदों से भी ज्यादा ये सपनों को देता आकार। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर वन, आयशर 551 है अपना, आयशर 551। आयशर इंजन है 3 सिलेंडर वाला, बचत करे डीजल की हर
हर काम का है मतवाला, लॉन्ग लाइफ पार्टनर है ये, हर खूबी मौजूद है इसमें, ये है ऑल इन वन, आयशर 551 है अपना, आयशर 551 है अपना, आयशर 551, आयशर 551, आयशर 551। पेश है सुपर पावर ट्रैक्टर आयशर 551, सच्चा पावर, सच्ची खुशियां।